हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे प्रॉन मसाला और ये मैं बनाऊंगी सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल से और 1 कप मसाले से। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेंगे 1/2 इंच अदरक और 3 से 4 लहसुन, 1 मीडियम साइज टमाटो और 1 बड़ा प्याज। हम ये सब को थोड़ा काट लेंगे और फिर इस सब को हम ग्राइंड कर लेंगे एक फाइन पेस्ट में। याद रखिएगा, जब हम प्याज काट रहे हैं तो 3 से 4 चम्मच बारीक कटी हुई प्याज हम अलग सा रखेंगे, उसको पहले थोड़ा फ्राई करना है इसलिए, और बाकी सब हम ग्राइंड कर लेंगे। अब 300 ग्राम अच्छे से धोए हुए प्रॉन्स लें और 1 मीडियम साइज आलू, इसे हम क्यूब्स में काट लेंगे। अब कढ़ाई रखें और 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल इसमें डालें और फिर प्रॉन्स को हम हल्का फ्राई कर लेंगे थोड़ा नमक और हल्दी डाल के। अब इसे निकाल दें, बस शैलो फ्राई करेंगे और वैसे ही हम आलू को भी फ्राई कर लेंगे और सब एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में और 1 चम्मच तेल डालें, मस्टर्ड ऑयल, उसमें 1 तेज पत्ता डालें, फिर जो 3 से 4 चम्मच बारीक कटी हुई प्याज थे उसे डालें और फ्राई करें। अनियन जब ट्रांसलूसेंट होते हैं तो हम जो ग्राइंड हुए मसाला है उसे डालेंगे, फिर 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, 1/2 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक, 1 टेबलस्पून हम गरम मसाला पाउडर या आपके पास कोई भी चिकन या मीट मसाला हो उसे डालेंगे और फिर अच्छे से इसे हम कुक करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी भी बीच में आप डाल सकते हो अगर ज़रूरत पड़े तो। अब जब मसाला हो गया है तो हम जो फ्राई किए हुए प्रॉन्स और आलू हैं उसे डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, 1/2 कप पानी डालेंगे और इसे कवर करके मीडियम लो फ्लेम में 15 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो रेडी है बस 2 चम्मच तेल से बनी हुई यम्मी प्रॉन मसाला। आप इसे बारीक कटी हुई धनिया पत्ता से गार्निश करके खा सकते हैं या फिर ऐसे ही आप रोटी और चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।